भगवान के कई धाम हैं और इस धाम के माध्यम से वे हर जीव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब उस धाम के महत्व को हम समझते हैं तो उस क्षेत्र के प्रति हमारी आस्था, निष्ठा और भक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां लोग रहते हैं, वहां जाते हैं, पर उस धाम की महिमा से शायद अनजान है। नमस्ते। विराट हिंदुस्तान संगम, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने शुरू किया एक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी इसका कार्य चलता है। इसके जो पांच मुख्य उद्दिष्ट है उसमें से एक उद्दिष्ट ये भी है कि हमारा जो पूर्व इतिहास है, सही इतिहास भारत का, उसको पुनर्जागृत करें। तो हम सब मिलकर हमने एक विचार किया कि क्यों ना महाराष्ट्र के जो कोई छुपे हुए स्थल है, जिनका इतिहास आज बुझ चुका है, लगभग लुप्त हो चुका है, उसको पुनर्जागृत किया जाए। इसलिए हमने एक विशेष क्षेत्र को चुना और उसका इतिहास आपको अचंभित कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर इतिहास है। त्रेता युग की बात है। इस युग में परशुराम जी ने कई दुराचारी क्षत्रियों को परास्त किया। इस युग में विमलासुर नामक एक असुर था जो अपने आतंक से सभी ऋषि मुनियों को कष्ट दे रहा था। तब परशुराम जी ने विमलासुर को युद्ध के लिए ललकारा। विमलासुर परशुराम जी के शक्ति से भयभीत होकर भारत के पश्चिम तट की ओर भाग गया। वहां विमलासुर ने एक पर्वत पर भगवान शिव जी की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, आज हम आपको जिस क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं, वह क्षेत्र अत्यंत दिव्य और धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र के बारे में हमने काफी संशोधन किया और इसे ढूंढने, इस क्षेत्र की महिमा को जानने के लिए हम निकल पड़े एक अनोखी यात्रा पर। मुंबई, सपनों का शहर, भारत की आर्थिक राजधानी। इस मुंबई शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर स्थित है नाला सुपारा, जहां से हमारे वीएचएस टीम की यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, यह है नाला सोपारा। कहा जाता है कि नाला और सोपारा ये दो अलग अलग जगहों का नाम है और इन दोनों को एक साथ लाकर नाला सोपारा यह नाम रखा गया है। क्या आपको पता है, पुराणों में यही नाला सोपारा शूरपरक इस नाम से जाना जाता था। शूरपरक क्षेत्र की निर्मिति त्रेता युग के प्रथम चरण में भगवान परशुराम जी ने की थी। इस जगह की निर्मित करने के बाद उन्होंने समस्त ऋषि मुनियों को इस जगह पर आमंत्रित किया और वह लोग इस जगह पर वास करने लगे। परशुराम जी ने इस क्षेत्र में 108 कुंडों की निर्मित की और 64 योगिनियां स्थापित की और इस तरह से यह शूरपरक क्षेत्र एक पवित्र तपोभूमि बन गई। हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ वसई नाला सुपारा में रहने वाले लोग इस जगह और इसके इतिहास को जानते हैं। भाई साहब, एक सर्वे कर रहे हैं, आपको शूरपरक कहाँ है पता है?
शूरपारक। नहीं पता है भाई साहब, भाई साहब हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपको शूरपारक कहाँ पता है? शूरपारक नहीं मालूम। पता है शूरपारक कहाँ है? कहाँ पे है शूरपारक? पुलिस स्टेशन के बाजू में। शूरपारक कहाँ है पता है आपको? पता है शूरपारक कहाँ है? नहीं पता। अच्छा मैं आपको बता दूँ, शूरपारक सोपारा का पुराना नाम शूरपारक है। लोगों की इस अज्ञान को देखकर हमारी तीव्रता और भी बढ़ गई और हम उस जगह पर जा पहुंचे जिस जगह पर विमलासुर ने भगवान शिव की आराधना की थी। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या। दोस्तों यही वो पर्वत है जहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विमलासुर ने घोर तपश्चर्या की थी। तुंगार का मतलब है पर्वत और इस तुंगार के ईश्वर है शिव जी और इसीलिए इस जगह का नाम है तुंगारेश्वर। करीबन एक घंटा चलने के बाद हम इस जगह पर पहुंचे और यही वो जगह है जहां पर विमलासुर ने शिवजी से अजिंक्य होने का वरदान मांगा और उनसे निवेदन किया कि वे नित्य रूप से यहां पर वास करें और भोले शंकर जी ने भी उसे अजिंक्य होने का वरदान दिया और साथ में दे दिया शिवलिंग और उसी दिन से आज भी शिवजी इस जगह पर वास कर रहे हैं और आज भी काफी सारे भाविक उनके दर्शन के लिए आते हैं। हर हर महादेव। लेकिन यहाँ पे आया कहानी में एक ट्विस्ट। जैसे शंकर जी ने विमलासुर को वरदान दिया वैसे ही माँ पार्वती जी ने कहा, विमलासुर सावधान। हे विमल ध्यान से सुनो, जिस दिन तू किसी पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा क्या फिर ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाएगा, उसी दिन ये वरदान तेरे लिए श्राप बन जाएगा। लेकिन विमलासुर ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। तुंगारेश्वर से कुछ ही किलोमीटर दूर है आत्मलिंगेश्वर महादेव मंदिर और साथ ही साथ भगवान कृष्ण और बलराम जी इनके गुरु सांदीपनि मुनि इनका आश्रम। सांदीपनि आश्रम जहाँ पर सांदीपनि मुनि ने अपना समाधि लिया ऐसा माना जाता है। इस जगह की खोज काफी अनोखी थी। शुरुआत में हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने सोचा चलो निकल पड़ते हैं। जैसे हम निकले जंगल का इलाका था और कुछ लोगों ने बताया था कि अकेले जाना उतना सेफ नहीं है और एक जगह पर जब हम लोग 2 किलोमीटर तकरीबन चल के गए तो 2 मोड़ आ गया और हमें पता ही नहीं था कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है। आधी टीम लेफ्ट की ओर गई आधी टीम राइट की ओर गई लेकिन भगवान की कृपा से हम उस जगह पे पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, उनका दर्शन लिया, भगवान शिव का दर्शन लिया और हम सब तृप्त हो गए। सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ अपने गोचर करने आते थे। सांदीपनि मुनि इनके आश्रम के पास है 5 बड़ी-बड़ी शिलाएं। ये शिलाएं पांडवों की याद दिलाती। कहते हैं जब वनवास के समय पांडव यहाँ आए थे तब उन्होंने आत्मलिंगेश्वर महादेव इनकी स्थापना की थी। और इसके बाद हम चल पड़े हमारे अगले लक्ष्य की ओर जो कि हमारे इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और शूरपार क्षेत्र के हृदय में पसा हुआ है निर्मल। अब हम खड़े हैं विमलेश्वर मंदिर में, यहां से हम अपनी आगे की यात्रा को शुरुआत करते हैं।
माता पार्वती के चेतावनी के बावजूद भी विमलासुर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करता रहा और उसने लोह महर्ष मुनि के कन्या का अपहरण किया। विमलासुर के इस कृत्य से क्रोधित होकर भगवान परशुराम जी ने विमलासुर को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम जी ने जब विमलासुर को दंडित किया तब वह जख्मी होकर इस क्षेत्र में आ गया। तब उसने परशुराम जी से क्षमा याचना की और उनसे निवेदन किया कि वे शिव जी को उसके हृदय स्थान पर स्थापित करें और इस तरह से शिव जी का इस स्थान पर आगमन हुआ और इस जगह का, इस मंदिर का नाम पड़ा विमलेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। जब परशुराम जी ने विमलासुर का वध किया तो उसका सर एक जगह पर गिरा और उसका धड़ एक जगह पर। जिस जगह पर सर गिरा उस जगह पर बना मलाई तला और जिस जगह पर धड़ गिरा उस जगह पर बना विमल पीर। विमलासुर के रक्त से ये दोनों भी तालाब अपवित्र थे तो परशुराम जी ने समस्त तीर्थों को यहाँ पे प्रवाहित किया और इस तरह से इसका पानी शुद्ध और निर्मल बना और इस तरह इस जगह का नाम हुआ निर्मल। जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख। निर्मल सरोवर के तट के पास टीले पर स्थित इस मंदिर में विमलेश्वर भगवान की अर्धांगिनी विमला देवी मतलब पार्वती जी का भी वास है। इस मंदिर की रचना उड़ीसा के मंदिरों से काफी मेल खाती है और इसके दीवारों पर कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आप इस घुमट को देख सकते हैं। इस घुमट पे काफी सारी शिल्पकलाएं हैं, जिसमें छुपी हुई है कई सारी कहानियां जिससे लोग आज भी परिचित नहीं है। परशुराम जी का यह क्षेत्र प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, पांडव, नारद मुनि, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी, श्री चैतन्य महाप्रभु, इनके पावन चरण कमलों से तृप्त हुआ है। इस तरह इस धाम की महिमा और बढ़ गई। लोग यह तप तथा यात्रा के अलावा वैदिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने लगे। व्यवसाय बढ़ गया, महामार्ग का निर्माण हुआ और फिर क्षेत्र में बौद्ध और अन्य धर्म का प्रचार होने लगा, जिसकी निशानी आज भी यहां मौजूद है। दोस्तों, ये है नाला सोपारा में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है बुरुड राजा की कोट। बुरुड राजा यानी कि युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज भी यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, भले ही ये बुद्ध स्तूप है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष है जो पुरी के मंदिरों जैसे लगते हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोग शून्यवादी होने लगे, वेदों की निंदा करने लगे और वैदिक धर्म से दूर जाने लगे। और इसी समय पर भारत के केरल प्रांत में भगवान शिव जी के अवतार आदि शंकराचार्य इनका जन्म हुआ। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध, जैन, कापालिक और इस प्रकार के कई धर्मों को पराजित करके पुनः वैदिक संस्कृति की स्थापना की और इसी के दौरान शंकराचार्य जी ने अपनी दिग्विजय यात्रा में शूर्पणखा स्थित निर्मल क्षेत्र में भी आए। सन 1343 में यहां पर मुस्लिम राजा का शासन शुरू हुआ।
जो करीब 200 सालों तक चला और इसके साथ शुरू हुआ इस क्षेत्र का वैदिक पतन। सन 1543 में पुर्तगीज लोगों का यहां पर कब्जा हुआ और उन्होंने केवल 6 साल में 200 मंदिर और कई कुंड जो परशुराम जी ने स्थापित किए उनका नाश किया। सन 1544 और 1548 में सेंट फ्रांसिस जेवियर यहां आए और फिर शुरू हुआ बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन। उन्होंने कहा था, जब धर्मांतर हुए लोग अपने हाथों से अपने विग्रह और मंदिर को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। यही वो गिरजाघर है जो पुर्तगाली लोगों के काल की याद दिलाता है। कहा जाता है कि इस टीले पर पहले शंकराचार्य इनकी समाधि हुआ करती थी, जिसे तोड़ दिया गया और कुछ सालों बाद इसी जगह पर ये चर्च बनाया गया। कहा जाता है कि जो लोगों ने धर्मांतर नहीं किया उन लोगों पर काफी अत्याचार किया गया। पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र के कई सारे मंदिरों को नष्ट किया और उसके अवशेष इन सरोवरों में डाल दिए। कई सारे विग्रह खोजे गए लेकिन आज भी कई सारे विग्रह हमारा इंतजार कर रहे हैं। यह है निर्मल सरोवर के पास स्थित महादेव घाट। यहाँ आज भी लोग पिंडदान और अन्य विधि करने के लिए आते हैं। और इसके ठीक सामने है सुरेश्वर महादेव मंदिर। इस सुरेश्वर शिव मंदिर की स्थापना आचार्य सुरेश्वर जी ने की, जो कि आदि शंकराचार्य इनके शिष्य थे। इसी सुरेश्वर मंदिर के बगल में है सुरेश्वर देवी का भी मंदिर। लेकिन इस सुरेश्वर मंदिर के प्रांगण में हमें दुखद दृश्य दिखे। यहां पर हमें सड़क के किनारे में भगवान विष्णु की एक खंडित विग्रह का दर्शन। ये विग्रह घुसपैठियों की क्रूरता की कहानी दोहराता है। जब पुर्तगालियों का इस क्षेत्र में अत्याचार बढ़ने लगा तब एक शूरवीर मराठा आया जिसने पुर्तगालियों से लड़कर उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। वो समय था सन 1739 और वो वीर थे चिमाजिया। और यही है वो भव्य किला जो इस वीर गाथा का स्मारक है। और एक अनोखी बात, इसी क्षेत्र में परशुराम जी के 108 कुंडों में से 2 कुंड भी मौजूद हैं। और अब हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जिसके इतिहास के साथ साथ वर्तमान की भी अनोखी कहानी जुड़ी है। यह है प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा, जहां पर लाखों लोग भगवान की कृपा के लिए साल में एक बार जरूर आते हैं। और यही जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व में फैल गई है और सभी को उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने कई वर्षों तक
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उस जगह पर मनाई जिसका नाम है माणिकपुर। पहले हमने ये जो कार्यक्रम है एक छोटे से घर से शुरुआत किया, फिर जैसे जैसे समय गया तो और लोग जुड़ने लगे, बहुत भक्त हो गए कुछ सालों में। फिर एक दिन हमने सोचा क्यों ना भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा वसई में करें, और फिर शुरू हुआ एक खोज। खोज एक ऐसे मैदान, एक ऐसे ग्राउंड की जिसमें बहुत हजारों लोग जो हैं साथ में जुड़ सकें, आने जाने में सुविधा हो। और ये खोज जाकर ख़त्म हुआ माणिकपुर क्रिकेट ग्राउंड, उसको YMCA ग्राउंड भी कहते हैं। दोस्तों, माणिकपुर वसई में स्थित एक ऊपरी इलाका है। यहाँ पर है पंचमुखी हनुमान मंदिर, सेंट माइकल चर्च और माणिकपुर क्रिकेट ग्राउंड। इस चर्च के पास और माणिकपुर के समीप है एक विशाल तालाब जिसे लोग माणिकपुर तालाब या फिर सेंट माइकल तालाब कहते हैं। हाल ही में प्रशासन ने इस तालाब को फादर बेनेडिक्ट सरोवर यह नाम दिया है। असलियत जानकर आप चौंक जाएंगे कि इस जगह का नाम प्राचीन काल में पूरी था। पुर्तगालियों के हस्तलिपियों के अनुसार इस जगह का वर्णन उन्होंने पूरी नाम से किया है। वे कहते थे कि यहां पर जगन्नाथ जी का मंदिर था और पूरी क्षेत्र की संस्कृति यहां पर थी। जब हम निर्मल का इतिहास देखते हैं तो यहां पर यह स्पष्ट किया गया है कि शूर्पारक का परिसर पूरी स्थित शंकराचार्य मठ गोवर्धन पीठ के अनुयायी और भक्तों का क्षेत्र था। तो जब हम इन दोनों कड़ियों को जोड़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये धार्मिक स्थल है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हमने माणिकपुर क्रिकेट ग्राउंड का निश्चय किया, ये सोचकर किया कि ये मेन रोड से लग के है, लोग आ जा सकते हैं, ज्यादा लोगों को इसको आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि ये एक जगह हमने नहीं चुना, ये तो भगवान जगन्नाथ जी ने ही चुना था। ये उनकी इच्छा थी कि वसई के जगन्नाथपुरी धाम में वो स्वयं आए। आगे जाके इस क्षेत्र को कई नाम मिले, माणिकपुरी, माणिकपुरम। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जिसे माणिकपुर रोड यह नाम दिया गया, और जिसे आगे बसेन रोड इस नाम से जाना गया, और आजकल हम इस बसेन रोड को वसई रोड इस नाम से जानते हैं। हमारा बचपन यहाँ गुजरा, हम यहाँ आते, घूमते, खेलते, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि ये एक पुण्य तीर्थ है। आज कई सालों बाद जब पता चला है तो आज मैं इस पवित्र जल से अपने आप को शुद्ध करूँगा। तो ये केवल संयोग की बात नहीं है कि करीबन 6 साल तक यहाँ पर रथ यात्रा हुई। जगन्नाथपुरी धाम की जय, शूर्पार क्षेत्र की जय, निर्मल धाम की जय। तो ये है हमारे शूर्पारक क्षेत्र का अद्भुत इतिहास। मैंने जब 400-500 साल पहले का इतिहास पढ़ा है उसमें मुंबई का नाम नहीं है। मुंबई ये ब्रिटिशों ने दिया हुआ नाम है, ब्रिटिशों के समय से प्रचलित नाम है। पहले इसको भी द्वैपायनी कहा जाता था, लेकिन शूर्पारक आप देखेंगे जो कि द्वैपायनी के बाजू में ही है, ये एक तीर्थ क्षेत्र था। आप भागवत पुराण पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि बलराम जी जब पूरी भारत के भ्रमण करते हैं अलग अनेक अनेक तीर्थों के, जस्ट कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले, महाभारत के युद्ध के पहले, तो उनका अंतिम एक स्थान आता है शूर्पारक। शूर्पारक से फिर आगे वो फिर से प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन क्योंकि ये इतिहास छुपाया हुआ है या छुप गया है पुर्तगीजों के आक्रमण के बाद, इसको पुनर्जागृत करना ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य था, और ये शुरुआत है। हम तो चाहते हैं विराट हिंदुस्तान संगम के माध्यम से
कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का निर्माण हो और फिर से इस प्रांत के लोगों में एक अलग प्रकार का विश्वास, राष्ट्रीय भावना, धर्म की भावना फिर से जागृत होगी। तो दोस्तों, आज आपने देखा, ये जो आपका वसई है कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक दिव्य और धार्मिक स्थल है। हम केरल को गॉड जोन कंट्री कहते हैं, जिसे परशुराम जी ने बनाया और जहां आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया। पर ऐसे क्षेत्र जिसकी सृष्टि परशुराम जी के हाथ हुई, आदि शंकराचार्य और उनके अनुयायियों के हाथ विकसित हुई, जहां भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम, चैतन्य महाप्रभु, देवी देवता और साधुगण ने वास किया, जिसे अन्य धर्म, मुगल, फिरंगियों ने अपने अत्याचार से दबा दिया, वो दैवी शूरपारक तीर्थ और सहनशील निर्मल आज अपने पहचान के लिए तड़प रहा है, पुकार रहा है, यह पुण्य भूमि आओ सुनो मेरी गाथा, अपनाओ मुझे, पहचानो मुझे, यह भी है परशुराम की धरती। बता दो दुनिया को कि निर्मल भी है अपना दूसरा गॉड जोन कंट्री।